जम्मू रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। अरे सुन तो। ओहो, अब बात भी ना करने की क्या? अरे थम जा, अरे ठहर। अब देख, अब इतनी तेज तेज दौड़ेगी तो मेरी बात कैसे सुनेगी तू? नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात बात। अब गुस्सा थूक भी दे। अब देख, अब मैं तेरे संग संग आ गया हूँ ना। मैंने नहीं कही थी आने की, मैं कल ही ढूंढ लूंगी। अरे तो मैं कब मने कर रहा हूँ? अब एक मिनट मेरी बात सुन तो ले। मैं क्या कह रहा हूँ तो सुन तो ले पहले। हाँ बोल। देख ला ला ला, मैं इस हाथ ना लगाओ जी मेरी बच्ची। जरा धीरे बोल, पराए गांव में भदुड़वावेगी क्या तू? है हाँ नहीं तो। अरे सुन जबती, अरे सुन तो। अरे भाई साहब, ये उषा बहन जी का केंद्र किस तरफ पड़े? सीधी चली जा, गांव में घुसते ही उल्टे हाथ पे पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हो? अजी नूरपुर खास। अरे वहाँ तो उषा बहन जी खुद जावे हैं। जावे है पे दो तीन दिन से आई ना है वहाँ। हाँ दिखाई तो मुझे भी ना दे रही, कोई इमरजेंसी है क्या? अजी ना, कोई इमरजेंसी ना है, बस यूं ही हॉल रही। जयवती, अरे सुन तो। अरे देख देख, अब मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। उषा बहन जी के सामने मेरा उल्लू मथीना खिंचवा दियो, वैसे ही मुझे घामर समझे सारे गांव में भदुड़ जावेगी। अभी तुम्हें अपनी भदुड़ने का ही ख्याल आ रहा है? बच्ची की तनिक भी फिकर ना? अरे फिकर है भगवान, बहुत फिकर है। अब तू क्या जाने ये बात? मैं खूब जानू कितनी फिकर है तुम्हें। अपनी अम्मा के सामने तो भीगी बिल्ली बन के बैठे रहो। उसने जो कह दी सोई गीता का वचन है गया। अम्मा जैसा तू कह देगी वैसा ही होवेगा। मेरी बच्ची सुख सुख के इमली है गई और तुम्हारे मुंह से यही निकले? अम्मा जो बतावे वो ही कर, तभी ठीक रहेगी बच्ची। अगर मेरी बच्ची को कुछ है गया तो जिंदगी भर माफ ना करेगी तुम्हें, ये भी याद रखना। अब देख, अब तू ना बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ नहीं तो, छोरी भली चंगी तो है। रहने दो रहने दो, तुम्हें बड़ा पता है बच्चों का। ना जी, हम तो घामड़ है। जयवती, ओ जयवती, अरे मुझे तो बता क्या हुआ। महेश बेटा क्या बात है? अब मौसी कोई बात हो तो बताऊ ना, मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारी क्यों समझ में आने लगा? तुम्हारी समझ में तो अपनी अम्मा की बात आवे। जयवती ऐसे बात करें अपने घर वाले से, मुझे बता ठीक से क्या हुआ। मौसी देख, मेरी बच्ची सुख सुख के कांटा हो गई, महीना भर गए, रत्ती भर भी वजन ना बढ़ा, पांचवे महीने में चल रही है। इनकी अम्मा कुछ खाने ही ना दे इसे, यूं ही कहती रहे, एक डेढ़ साल तो बस दूध पे ही पलेगी। क्यों महेश बेटा, जी ठीक कह रही है? अब मौसी, मैंने तो कई बार समझा दिया अम्मा को, उषा बहन जी ने जो जो बातें बताई सारी की सारी समझाई उसको। हाँ बड़ी बताई। अब देख बोल ले रे मो को, हाँ बीच में टोके मती। अब मौसी वो पुराने ख्याल किए तो मैं क्या कर सकूं? उषा बहन जी जब आवे उनके सामने तो कहते रहे हाँ जी हो जावेगा, उनकी पीठ मुड़ी और इनकी अम्मा के सामने घिग्गी बन जावे। जयवती देख, तू मुझे बात करने दे इससे। बेटा तुम मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे सब याद है मौसी। फिर भी एक बार और समझ ले। देख अब तेरी छोरी बड़ी है रही है, उससे ज्यादा खुराक की जरूरत है। अब उसकी माँ का दूध तो बढ़ नहीं रहा, उल्टे चार पाँच महीना पिलाने के बाद कमी हो जावे। वो तो मुझे पता है मौसी। अरे मौसी पता तो इन्हें सब कुछ है। जयवती पता है तो ये भी पता होगा कि बच्चे को तीन चार महीने के बाद से ही ऊपर से कुछ खाने को देना चाहिए।
वो तो आपकी बात सही है मौसी, पर अम्मा को कौन समझाए, वो तो नू कह रहे हैं जब तक छोरी दांत ना निकाल लेती माँ का दूध छोड़ ऊपर से कुछ ना दिया जाएगा। मैं तेरी माँ का मतलब समझ गई। क्या उसका मतलब? ये है कि अभी से बच्ची को रोटी वगैरह खाने को दोगे तो कैसे खाएगी, चबेगी ना उस पे, मैं थूक देगी। हाँ चबाएगी तो तब ना जब मुंह में दांत होंगे। एकदम सही, पर सूजी की खीर खाने में तो दांत ना लगे। अरे मसल के केला दोगे, उबली हुई सब्जी दोगे, नरम नरम खिचड़ी दोगे, इनमें तो दांत ना लगे। तू जानती ना है मेरी अम्मा को, उन्हों कहवे है सूजी खाने से शरीर में खुश्की है या खुश्की, और केला खाने से बलगम। अब बता है इसका कोई जवाब है? अरे तो बेटा तेरी पढ़ाई लिखाई यही तो काम आवेगी, तू तो समझदार है, तू तो जाने है कि सूजी से खुश्की ना होवे, और फिर उसमें घी तेल भी तो डालोगे, और केले से तो बच्चे के शरीर में ताकत आवे, कद काठी अच्छी निकले। मेरी कही कोई बात उसके भेजे में ना घुसती। नू कहवे कल का छोकरा मुझे सिखाने चला, बताने चला कि बालकन को कैसे पाला जाए। नास पीटा। तू उसे एक दिन ऊषा बहन जी से मिलवा दे, अभी दो चार दिन में लौटा मेंगी, चाहे तो यही मिलवा दीजो, वो समझावेंगी तो मान जागी। पहले जी खुद तो माने। अब देख बेकार में लठ लेके तो छोरा के पीछे पड़े मत, मान तो रहा है बेचारा सब कुछ। अरे मौसी जे ने खूब आवे आप लोगों की बातों में हाँ मिलाना, घर पे तो दूसरा ही राग शुरू है जावे, जो अम्मा ने कह दी सोई पत्थर की लकीर है इनके लिए। अरे नहीं ऐसा ना है महेश, और अब तो बात इसकी समझ में भी आ गई है, अब मना लेगा जी तेरी सास को। सच्ची बात कहूँ मौसी, मैं भी इसलिए चुप लगा जाऊ कि ये सारे नुस्खे ठहरे खर्चे वाले, अब खेती बाड़ी तो कुछ रही ना, तनख्वाह मिले ससुरी 350 रुपए ली, जास्ती कहूँ तो अम्मा ऊपर से कोसना शुरू कर दे। अरे तो कोई कसम है कि जय चीजें खिलानी है, सूजी ना खरीद सको तो गेहूं का ज्वार का पतला दलिया खिलाओ बच्ची को, ऊपर से 2-1 चम्मच घी डाल दो, और क्या। दलिया? दलिया पचावेगी कैसे नन्नी सी जान है? खूब पचा लेगी, अरे शुरू दिन से ही थोड़ा ही ढेर सारा खिलावेगा, 1-1 चम्मच से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 2-4 हफ्ता में आधी कटोरी आराम से खाने लगेगी, और खर्चे का भी झंझट नहीं, ज्वार रागी घर में हो गई है, चावल हो तो उन्हें भी कूट के मिला लो। ठीक अब ऐसा ही होवेगा। बस बस हर बात का एक ही जवाब, हो जावेगा, होना हवाना कुछ नहीं। देख बेटा 5वां महीना चल रहा है तेरी छोरी का, और अभी तक माँ के दूध पे है, अरे जे ऊपर की चीजें तो 1-1.5 महीना पहले ही शुरू हो जानी ही। जाके असरफी की छोरी को देख, तेरी छोरी से 2-4 दिन बाद ही पैदा हुई, कैसी तगड़ी निकली है, जाने हैं असरफी क्या क्या खिलावे उसे, खिचड़ी उबली हुई सब्जियां छान के पतली करके देवे, आलू तक खिला देवे, और क्या छोरी मजे में गबागब खावे, न पेट में दर्द न कब्जी, हर समय हंसती रहे। कौन ये असरफी कौन? अरे वही हमारे गांव की खिलौने वाली, तुम्हारी तरफ भी तो फेरी लगावे है वो, और इनकी आंखें तो उसी पे लगी रहे जब वो यहाँ से गुजरे। क्या बक रही है? अच्छा वो खिलौने वाली है, जिसने बड़ी से शादी कर ली। हाँ वही, दोनों बड़े खुश रहे हैं। बड़ी है ना तभी छोरी को खूब खिला पिला सके, अच्छी आमदनी पीटता होगा। आमदनी? अरे यहाँ कहाँ काम धरा है, दोनों दिन रात मेहनत करें तब जाके 2 वक्त की रोटी जुटा पावे, तू जाके खुद ही देख लेना। हमने तो एक बात गांठ बांध ली है भाईजान, हमें तो कुछ पता है ना बच्चों खच्चों की परवरिश का, सो जैसा उषा बहन जी बतावे मीरा देवी बतावे ठीक वैसा ही करो, माशाल्लाह से उनकी बदौलत हमारी बच्ची बहुत तंदुरुस्त है, कभी बीमार ना पड़ती, जैसा उन्होंने बताया हमने खिलाया पिलाया, बखत पे टीके लगवाए, पोलिया की खुराक पिलवाई, और भाईजान इसके खाने के बारे में इसकी माँ ने सब लिख के रख लिया है। अरे यार तुम्हारे घर में तो कोई बड़े बूढ़े है ना, तभी कोई रोक टोक ना होती, तभी तुम्हारी छोरी सही ढंग से पल गई, पर हमारी अम्मा को तो समझाने का मतबल है आ बैल मुझे मार। अपने अपने सोचने का ढंग हैगा भाईजान, हमें तो घिला है बस एक ही बात का कि कभी माँ बाप का साया सर पे देखा ही ना, आज अगर वो होते तो अपनी पोती को देख के कितना निहाल होते, और अगर वो कोई गलत बात करते तो हमारा फर्ज बनता कि हम उन्हें समझाएं, पढ़ाई लिखाई से 4 बातें सीखे इंसान
तो किस काम की? अरे हंस रही है, तेरे तो खाने का टाइम है गया, रोती क्यों ना? रोती ना है जी बिल्कुल। अच्छा मैं से कुछ खिला दूं। अरे अपनी छोरी को भी तेरी तरह मोटा तगड़ा बना दूंगा मैं, है? ओ हो, अरे तुम खिलाओगे इसे? हाँ क्यों, माँ तो उसकी फेरी पे जावे है ना, सवेरे एक बार भी पिला जावे है, फिर एक बार दोपहर में पिला जावे है, और फिर एक बार रात को, ऊपर से चार पांच बार ये सब्जी की लपसी खावे है, सो मैं ही खिलाऊं। बहुत हिल मिल गई है मोर से, मेरे हाथ से खावे, अब तो ये अपनी अम्मा के हाथ से भी ना खावे। आ जा बेटा, अरे कटोरी भर एक बार में खिला दोगे यार? अरे नहीं भाईजान, पर तीन बार में खा लेगी। हमने तो कटोरी भी अलग रखनी शुरू कर दी है, हाँ, ताकि पता रहे कितनी खा रही है। भाईजान इस कटोरी के भी बड़े नखरे हैं, चूल्हे की ताजी राख समझेगी, मिट्टी से नहीं। क्यों? बता रहे कि मिट्टी में गंदगी हो गए है, सो उससे पेट में कीड़े जा सके। अच्छा। हाँ भाईजान, खाना बनाने से पहले और खिलाने से पहले अच्छी तरह हाथ धो, किसी साहबजादी से कम थोड़ी ना है। ले खा ले खा ले। एक बात बता यार, अगर ये सारी बातें मैं लिखी हुई घर ले जाऊं और अम्मा से नू कह दूं कि ये बड़ी डॉक्टरानी ने लिख के भेजी है, तो शायद वो आसानी से मान जाए। देख लो भैया, जैसे माने वैसे ही भली। जे ही ठीक है, मैं अम्मा से कहूंगा बड़े डॉक्टर ने भेजा है, इस बार वो बहस ना करने की। खाले बेटा, ले खाले 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 खाले। लो जी है गया हमारी साहबजादी का खाना, आजा आजा बेटा आजा। भाईजान मैं कापी लाके देता हूँ, तुम उसमें से उतार लेना। आजा जे मिल गया भैया, ऊपरी खुराक देने का ढंग, 3-4 महीने की उम्र से सूजी की खीर, दूध में मसला हुआ केला, नरम खिचड़ी, धीरे धीरे उबली हुई सब्जियां मसल के, थोड़ी घी या तेल के साथ, है क्या भैया? अब आगे है, ऊपरी दूध भी पिलाओ, कुछ दिन बाद दही दलिया भी शुरू कर दो, दाल रसे या दूध में भिगोकर रोटी, दिन में 4-5 बार खिलाओ। अब आगे लिखा है, दांत निकलने पर कुतरने के लिए पापड़, कुरकुरी रोटी या गाजर का टुकड़ा। बड़े ढंग से लिखा हुआ है यार, है? हाँ भैया, आगे भी बहुत ढंग का लिखा है, ये देखो, ये सभी खाने धीरे धीरे बढ़ाते रहो, 1 से 1.5 साल की उम्र से सब कुछ खिला सकते हैं, खाना बहुत सख्त ना हो, दाल खिचड़ी ज्यादा पतली बनाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे क्या लिखा है? ये तो बहुत जरूरी है, हा? खिलाने का ढंग, खाने को साफ और ढक के रखें, पकाने खिलाने से पहले हाथ धोएं, बच्चे का बर्तन अलग रखें, हर 2-3 घंटे पर खिलाते रहें, खिलाने में जबरदस्ती ना करें। लो भैया जी है गया, अब इसे अपने पास उतार लो। सारा का सारा? उतारना तो सारा का सारा चाहिए, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। उतार लेते हैं यार, इतनी लंबी चौड़ी लिखाई देख के अम्मा भी एक बार सोचेगी जरूर। पूरी खाने के ऊपरी खुराक का दे
ने देने के ढंग। अशोक आ गए तो? राम राम जी। राम राम भाई साहब। अशोक ये भाई साहब नूरपुर से है, महेश कुमार। सलाम भाई साहब, अंदर आके बैठो। यहाँ कहाँ बैठा लिया? नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, बस जरा यूं ही छोरी का वो खाने पीने का कार्यक्रम देख रहा है। पूरा का पूरा उतार के ले जा रहे हैंगे। अच्छा देखो भाई साहब। भाई साहब जे ऊपरी में तो बड़ा उबावे है, देखो ऐसे। और जे ढंग के ढ के नीचे बिंदी ना आवे है, बिंदी लगा दो तो जे ढ बन जावे है। भाई साहब इसकी बात का बुरा ना मानना, इसकी तो आदत है गलतियां निकालना। नहीं जी जब आपको हमसे एक बार जास्ती आती है तो इसे बुरा मानने की क्या बात है। आप चाहो तो आप लिख दो। नहीं भाई साहब आप लिखो, मैं बताती हूँ। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दबकर न रहेगी, हरगिज़ नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। जमूरे तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद, क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद। तो चल मेरे छोरा खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भा